देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इसमें जो है कि एकदम ध्यान से समझते चलना है। सबसे पहले हमको जानना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनके बाद दिखाई दे रहा नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको हम बताते चलेंगे। चलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, यानी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में? अंबेडकर के बारे में, ठीक है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है उनके बारे में अगर आपको कोई बता, मतलब कोई पूछे, तो याद रखिएगा संविधान के निर्माता यही थे, ठीक है। संविधान के निर्माता कौन थे? याद रखिएगा संविधान के निर्माता जो थे, संविधान के जो निर्माता थे वो कौन थे? अच्छा एक चीज और, संविधान कितने, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 18 महीने 11 दिन। याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, यानी 2 बरस 2 बरस 11 माह और उसके बाद 18 दिन। याद रखिएगा इतना समय लगा हुआ था हमारा संविधान बनने में। और ये संविधान किस भाषा में बना हुआ था, यानी भारतीय संविधान किस भाषा में है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है इंग्लिश भाषा में, किस भाषा में है संविधान जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? इंग्लिश भाषा में। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताते चलते हैं। तो बाबा साहब जी जो है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी जो है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1869 में, याद रखिए 1891 में, सही 14 अप्रैल 1891 में इनका, यानी 14 अप्रैल 1891 में इनका जो है जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म जो है, यानी किनका जन्म? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी महू जो है जगह का नाम है, महू क्या चीज का नाम है? जगह का नाम है, यानी महू नामक जगह पर हुआ था इनका जन्म, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, एमपी यानी महू जगह के मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक। अच्छा अगर हम इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, तो इनका पढ़ाई लिखाई शुरुआती जो, यानी प्राथमिक पढ़ाई लिखाई जो है, ये हमारे गांव से ही किए थे, यानी अपने गांव से किए थे ये, यानी बाबा साहब जो है प्राथमिक पढ़ाई लिखाई, प्राथमिक समझ रहे, प्राथमिक कहने का मतलब शुरुआती पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है अपने गांव से, गांव बोले तो महू से ही पढ़ाई लिखाई किए थे। अगर हम इससे आगे चले तो इनका जो है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछता है क्या पूछ देगा कि बाबा साहब को किनके प्रोत्साहन से, बाबा साहब ने किनके प्रोत्साहन से, यानी बाहर गए उच्च शिक्षा लेने गए थे, किनके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा लेने गए? तो याद रखिएगा बाबा साहब जो है किनके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा लेने गए, तो उच्च शिक्षा लेने गए किनके प्रोत्साहन से, ये आपको इनके पहले बात समझ लीजिए। इनको पढ़ने लिखने में बड़ा जो है तेज लगता था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, ठीक है। तो इनको पढ़ने लिखने में तेज था, तो ऑब्वियसली बात है अगर जो पढ़ने लिखने में तेज होगा तो ऑटोमेटिक है कि उनके जो है कि गांव मोहल्ला के नाम रोशन करेगा जो पढ़ने लिखने में तेज होगा। तो ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, प्राथमिक विद्यालय में बहुत अच्छा नंबर लाए, इसीलिए वहां के, यानी बड़ौदा के, कहां के? बड़ौदा, बड़ौदा जगह का नाम है, बड़ौदा के नरेश, कौन? नरेश बोले तो राजा, यानी बड़ौदा के जो राजा है ये क्या किए, यानी बड़ौदा नरेश जो है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, क्या चीज से? प्रोत्साहन से,
याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी क्या किए, बाहर पढ़ाई करने चल गए, बाहर यानी कि अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन इंग्लैंड, है ना, कहाँ कहाँ गए पढ़ने, अमेरिका लंदन इंग्लैंड, याद रखिएगा अमेरिका, याद रखिएगा किनके प्रोत्साहन से गए थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से कहाँ कहाँ गए, इंग्लैंड अमेरिका, है ना, कहाँ गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, है ना, लंदन गए, समझ गया, तुम भी लंदन जाएगा, हाँ भेज देंगे तुमको अभी, पढ़ो निमन से पढ़ो, लंदन जाना, समझ गया, लंदन से कुछ लेके आना, चलिए तो लंदन से कुछ ना कुछ लेके आना है। यहाँ देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए, अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, याद रखिएगा अमेरिका न्यूयॉर्क लंदन, समझे, कहाँ गए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गए, हाँ समझ जाइए, यहाँ ये लोग ये क्या किए, पढ़ाई किए, क्या किए, पढ़ाई किए, और याद ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा किसके प्रोत्साहन से बाहर गए पढ़ने, किसके प्रोत्साहन से, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, किनके प्रोत्साहन से, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। दूसरा नंबर बात आपको ये याद रखना है अगला, कि इनको जो है पढ़ने में बहुत मन लगता था, ठीक है, पढ़ने में काफी अच्छा थे, इसीलिए बड़ौदा नरेश देखे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया था इनका, तो ये क्या किए, यानी बड़ौदा नरेश इनको प्रोत्साहन किए कि नहीं तुम जाओ, जो खर्चा पानी जो होगा, यानी जो खर्चा होगा वो हम करेंगे, वहां के राजा बोले, तो इनको पढ़ने में क्या होता, इनको तो मन लग ही रहा था, चल गए। और एक चीज आपको याद रहेगा, याद रखिएगा कि इनका जो है 21 खंडों में वांग्मय लिखा गया है, कितने खंडों में, 21 खंडों में वांग्मय लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वांग्मय। आपसे पूछ देगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कितने खंडों में वांग्मय लिखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा सवाल कि बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कितने खंडों में, यानी कितने खंडों में बाबा साहब अम्बेडकर का यानी वांग्मय है, तो कितने खंडों में है, 21 खंडों में है, 21 खंडों में, आज डेटो 21 है ना, कितना अच्छा बात है, आज डेटो 21 है, 21 वाला बातों बता रहे हैं, तो याद रखिएगा 21 तारीख है, और 21 जो है कि इनका जो है कि वांग्मय लिखा गया था, क्या लिखा गया था, 21 वांग्मय लिखे हुए थे, याद रखिएगा कितने वांग्मय लिखे थे, 21। फिर अगला ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछेगा कि बताइए, बताइए यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कितने मुख्य प्रेरक थे, तो याद रखिएगा बाबा साहब के अगर मुख्य प्रेरक के नाम ले, अगर बाबा साहब के मुख्य क्या चीज के, मुख्य प्रेरक के अगर नाम लिया जाए, मुख्य प्रेरक के आपसे पूछ दे कि बाबा साहब अंबेडकर के मुख्य प्रेरक कितने थे, तो याद रखिएगा बाबा साहब अंबेडकर के मुख्य प्रेरक तीन थे, याद रखिएगा मुख्य प्रेरक कितने थे, तीन थे, इनके मुख्य प्रेरक जो थे वो कितने थे, तीन थे, पहले का नाम था, पहला का नाम था कबीर, ठीक है, पहला का नाम क्या था, कबीर, कबीर ज्योतिबा फुले, क्या था, ज्योतिबा फुले, और इनका नाम था बुद्ध, महात्मा बुद्ध। देखिए यही तीन आदमी जो थे इनका जो है कि मुख्य प्रेरक थे, याद रखिएगा आपसे पूछ देगा कि बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक कितने थे, तो याद रखिएगा कितने थे, तीन थे, कौन कौन, कबीर, कबीर, ज्योतिबा फुले, आप ऐसा कीजिए ना, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले, ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, बीच में इसको हटा देते हैं, कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इस तरह से याद रखिएगा, कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बुधवार है, क्या बात है, एकदम जो है कि सब चीज मिल रहा है, क्या बात है, गुड, चलिए ज्योतिबा फुले, कितना अच्छा बात है, यानी आज बुधवार है और ज्योतिबा फुले भी है, बुद्ध भी है और कबीर भी है, ठीक है, कबीर भी है, बुद्ध भी और ज्योतिबा फुले भी है,
तो याद रखिएगा मुख्य प्रेरक कितने इसके कितने थे? तीन। कौन कौन? कबीर, बुध और ज्योतिबा फुले। किनके जो है कि मुख्य प्रेरक थे? अच्छा बाबा साहब के। एक बात और, बाबा साहब के मुख्य प्रेरक तीन थे। मुख्य प्रेरक कहने का मतलब क्या होता है? मुख्य प्रेरक कहने का मतलब होता है बहु उनका मार्गदर्शन बताने वाला। मार्गदर्शन मतलब ऐसे नहीं ऐसे चलो, ये रास्ता ठीक है ये रास्ता सही है, यानी उनका मार्गदर्शन बताते थे किस तरह से क्या करना है, कहाँ जाके क्या पढ़ाई करना है, किस तरह से कौन सा मतलब ये सब सिखाने वाले कौन थे? तीन आदमी थे मुख्य प्रेरक, यानी बताने के लिए कि आप ऐसे कीजिए अच्छा रहेगा, ये कीजिए अच्छा रहेगा, इस तरह से इनको जो है कि यानी मुख्य प्रेरक बने। ठीक है, ये तीन आदमी जो है कि इनका मुख्य प्रेरक बने। इतना बात समझ गए? चलिए अब हम अगर आते हैं कहानी में। इनका जो है कि कहानी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, लिखे ना जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है वह लिखे हुए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन, विभाजन और जाति प्रथा। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है वह क्या लिखे हुए थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपसे ये भी सवाल आता है बार बार कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से उदित है? याद रखिएगा निबंध से लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है? निबंध से। ठीक है, आपको हम बताएंगे निबंध के नाम क्या है, थोड़ा सा अंदर चलेंगे किताब मतलब कहानी के अंदर में तो बताएंगे कहाँ से कौन सा निबंध लिख दिया। ठीक है, ये क्या चीज से लिया गया है? निबंध से। निबंध से लिया गया है। और ये चीज, ये जो है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो है ये यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये भाषण देने जा रहे थे। क्या देने जा रहे थे? भाषण। भाषण देने जा रहे थे। क्या देने जा रहे थे? भाषण। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ही, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है मालूम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ही इंग्लिश में बोला जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या बोला जाता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वेरी गुड, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ही इंग्लिश में बोला जाता है। आगे बात समझिए, श्रम विभाजन, श्रम, श्रम माने होता है मजदूर, श्रम माने मजदूर, श्रम माने मजदूर, याद रखिएगा। विभाजन, विभाजन का मतलब होता है बांटना, विभाजन माने बांटना। और तो समझिए, और जाति प्रथा, जाति प्रथा माने जाति के आधार पर, क्या चीज के आधार पर? जाति के आधार पर, याद रखिए जाति के आधार पर। यानी हमारे समाज में, हमारे किस समाज में? भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ी विडंबना है बहु, बहुत बड़ी विडंबना क्या है, सवाल भी आएगा उसमें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ा विडंबना किसे कहा है और क्यों कहा, सवाल आएगा। चलेंगे अंदर तो सब बताते चलेंगे, पहले समझते चलिए। यानी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, देखिए लोगों को क्या कर दिया है, जाति के आधार पर सबको बांट दिया। अब किस तरह से बांटा है सो समझिए। अगर मान लेते हैं कोई अगर गुआर है, यानी गुआरी मतलब जादव है, तो जादव क्या करेगा, मतलब भैंसी दूधेगा, मतलब दूध बेचेगा। अगर मान लेते हैं कोई जो है कि राम है, तो वो क्या करेगा, चप्पल जूता सिएगा, है ना। कोई जो है कि मान लेते हैं लोहार है, तो वो क्या करेगा, लोहारी काम करेगा, है कि नहीं, बांटा गया है कि नहीं, बांटा गया। सबके अलग अलग बांट दिया गया है, जो जिस जाति में है जाति के आधार पर बांट दिया। अब नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किताब में लिखा है, तो किताब में लिखा है कि जाति के आधार पर हमारे भारतीय समाज में क्या कर दिया है, सबको बांट दिया गया है। यानी सभी जाति को अलग अलग कामों के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर सभी को, सभी के जाति को क्या कर दिया है, बांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी विडंबना जो है बाबा साहब को लगता है।
बाबा साहब को सबसे बड़ी विडंबना इसलिए लगता है कि जिस व्यक्ति को अब मान लेते कोई व्यक्ति है और उसको जो है कि मान लेते हैं उसके पिताजी किसान है और उसको क्या किया जाए, खेती करवाया जाए जबरदस्ती, और उसको खेती में मन नहीं लगता किसी आदमी को, और उसको जबरदस्ती कहेगा खेती कर, तो वो जाएगा टोटा के वो मैंने जो काम है से करेगा ना तो भागेगा, भाई रौदा लगे छोड़ना जब है ना, और वो बताइए उसको जबरदस्ती है, उसको जो है कि खेती करने का इच्छा नहीं है उस लड़का के, और उसके पिताजी किसान है, अब जबरदस्ती उसके पिताजी कह रहे हैं ना तू खेती कर, एते खेत खेत पथारी की करते, एते खेत पथार के कर होते, तू कर खेती, तो वो लड़का क्या करेगा, जाएगा टोटा के काम करेगा चल देगा, माने निमन से काम नहीं करेगा, कहने का मतलब टालू काम करना शुरू कर देगा, टालू काम यानी टाल मटोल करना शुरू कर देगा, वह काम सही से नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे वो याद रखिए जिससे भारत में या कहीं भी बेरोजगारी होना शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, बेकारी और बेरोजगारी शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, बेकारी और बेरोजगारी शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा बेकारी और क्या शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर व्यक्ति अगर मान लेते हैं अपना इच्छा से किया तो ठीक है, अगर आप मान लेते हैं जो चीज में आपको मन लग रहा है वो काम अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा मन लगा के कीजिएगा, क्या बात है, क्या बात है, अगर खेलने के लिए दे दिया जाए तो भर दिन कम में पड़ जाएगा, है रातों में खेलेंगे कोई बात नहीं है ना, लेकिन वही अगर किताब धरा दिया जाए तो आधे घंटा में नींद आना शुरू हो जाता है ना, याद रखिए, तो यहाँ पर ये बात है कि अगर जिस आदमी को जो काम करने का इच्छा ना हो और उस आदमी को वो काम दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, टालू काम करना शुरू कर देगा, क्या काम करना शुरू कर देगा, टालू टालू काम करना शुरू कर देगा, यानी टाल मटोल करना शुरू कर देगा, काम वो सही से करेगा नहीं, जिसके कारण क्या शुरू हो जाएगी, बेकारी और बेरोजगारी शुरू हो जाएगी, है ना, जिसके कारण लोग और जो है कि भूखे नंगे भटकना लगेगा, है ना, उसके पास ना धन रहेगा ना दौलत रहेगा ना खाने के लिए अन्न रहेगा, है ना, वो खाएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, रहेगा क्या, कहाँ, है ना, ये सारी चीज उसके पास नहीं रह पाएगी, तो यहाँ पर ये चीज इस बात को लेकर के हमारे यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जिसको जिस काम में इच्छा करता है यानी जिस काम में अच्छा लगता है और वह काम अच्छा काम होना चाहिए, अगर वह काम अगर अच्छा है आपके हिसाब से तो वही काम आप क्या करते रहिए, लगातार करते रहिए, जो काम आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा काम होना चाहिए, तो यह कह रहा है यानी श्रम विभाजन जो है यानी मजदूरों को अलग अलग भागों में बांटकर और क्या किया गया है हमारे देश में, जाति के आधार पर बांट दिया गया है, जो है कि सही नहीं है, और समाज के लिए क्या कर दिया गया है, सबसे बड़ा विडंबना की बात कर दिया गया, सबसे बड़ा ये विडंबना है, और लोगों को रहने सहने आपको हम बता दें, हालांकि अभी तो उतना थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन पहले के समय में याद रखिएगा क्षुद्र जाति के लोग जो है कि एक साथ बैठना भी नहीं पसंद करते थे क्षुद्र जाति के साथ, समझ रहे, क्षुद्र जाति के साथ एक साथ यानी बैठना भी पसंद नहीं करते थे, अगर धोखा धाखी अगर क्षुद्र जाति के लोग अगर मान लेते हैं गलती से अगर बैठा गया क्षुद्र जाति तो उसको जो है कि कोड़े पड़ता था, कोड़े समझते हैं ना, यानी चमड़ा का बेल से उसको मार लगता था, समझ जाइए, और उसके पैरों में क्या कर दिया जाता था, घुंघरू बांध दिया जाता था कि जब ये क्षुद्र जाति के अगर लोग निकले तो आदमी सब साइड हो जाएगा, ओकरा देह में सटना नहीं, सटेगा तो छुआ जाएगा, लोगों का ये मानना था पहले के समय में, समझ, अभी तो बहुत सुधर गया है, फिर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी भी हम देखते हैं, चलिए तो ये चीज जो है कि नहीं होना चाहिए, आप इसमें याद रखिएगा ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है ये भाषण लिखे हुए थे, भाषण के नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और श्रम विभाजन जाति प्रथा किसमें लिखे हुए थे, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, कौन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, कौन भाषा में, अंग्रेजी, अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश भाषा में, और इंग्लिश भाषा में लिखे हुए थे, क्या लिखे थे, भाषण लिखे थे, ये भाषण देने जा रहे थे, ठीक है, और भाषण का नाम क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये भाषण देने कहां जा रहे थे, तो
तो ये जा रहे थे लाहौर में, कहाँ जा रहे थे? लाहौर में। लाहौर में कहाँ जा रहे थे ये भाषण देने? लाहौर में। और ये भाषण कब लिखा गया था? तो याद रखिए 1936 में लिखा गया था। ये भाषण कब लिखा गया था? 1936 में, यानी 1936 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया था। कौन भाषण का नाम क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कागज। और कहाँ देने जा रहे थे भाषण? लाहौर। लाहौर में, समझ में आया? लाहौर में देने जा रहे थे। कहाँ देने जा रहे थे? लाहौर में। बहुत अच्छा, लाहौर में देने जा रहे थे ये भाषण, ठीक है। अब ये भाषण तो लिखे थे बाबा साहब अंग्रेजी में, तो भैया इसको हिंदी में कौन रूपांतरित किया, यो सवाल पूछ सकता है। तो हिंदी में रूपांतरित करने वाला नाम है ललई सिंह यादव। क्या नाम है? ललई सिंह यादव। सिंह यादव, याद रखिएगा। ये कहां सिंह, इनका राशि होगा सिंह। देखिए याद रखिए, समझ में, समझ सिंह यादव, ध्यान से समझो। ललई सिंह यादव इनका नाम था, इनका नाम था जो हिंदी में रूपांतरित कर लेता जी। किसको? इस भाषण के, इस भाषण के नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आपसे हम पूछ देंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? ललई सिंह। ये किए थे, हिंदी में रूपांतरित किया था, हिंदी में रूपांतरित किए थे। रूपांतरित मतलब बदले हुए थे, रूपांतरित याद रखिएगा, रूपांतरित किए थे। कौन किए थे? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जी जो है, यह जो है कि यानी यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को क्या किए थे? हिंदी में लाहौर, हिंदी में जो है कि रूपांतरित किए थे। बात समझ गए? हिंदी में कौन रूपांतरित किए? लाहौर से ललई सिंह यादव, ठीक है। और इनका जो है कि आपको हम बता दें कि बाबा साहब एक एक चीज जानते हैं, एक एक चीज उनको पता है कि हम सब लोग भारतवासी है, हम सब लोग न यहाँ हिंदू अलग है, न मुसलमान अलग है, न सिख अलग है, न ईसाई अलग है। यहाँ इस भारत देश में जितने भी लोग है, हम सब लोग एक है, हम सब लोग भाई भाई है। और हम सब भाई लोगों को एक साथ एक एक मतलब एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। यहाँ ये जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हमें हमारे समाज में, अगर हमारे समाज में किसी को कोई परेशानी है तो उसे क्या करना चाहिए? सब लोगों को मिलजुल कर, सब लोगों को साथ होकर ऐसे लगना चाहिए कि जैसे दूध में पानी के मिश्रण होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझिए। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि हमें हमारे समाज में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि हमें हमारे समाज में क्या होना चाहिए, एकदम दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी एकदम भाईचारा की तरह, एकदम जो है कि दोस्त यार एकदम मतलब अपना लगना चाहिए। इस तरह से हमको क्या रहना चाहिए? हमारे अपने समाज में रहना चाहिए, हमें अपने समाज में एकदम दूध पानी के मिश्रण की तरह, भाई भाई की तरह अपने समाज में रहना चाहिए। ये जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के निधन के बात करें तो याद रखिएगा, इनका निधन जो हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में इनका निधन। यही काली रात है, 1956 का दिन है ना, यही काली रात में यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या हो गया था? निधन हो गया था, यानी 1956 में दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था? दिल्ली में। लिख दे, इनका जो है कि दिल्ली में निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। और 1956 में, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है, इसीलिए समझा रहे हैं। दिल्ली में निधन हुआ था 1956 में, निधन हुआ था, याद रखिएगा। 6 दिसंबर, 6 दिसंबर हुआ था, ठीक है। 6 दिसंबर 1956 में इनका जो है कि मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। यानी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यही वो काली रात है
जिस काली रात में इनका जो है कि यही यानी इनका निधन हो गया था और इनको बीमारी था इनका, इनके पास बीमारी था शायद उनको याद नहीं अच्छे से, इनका था क्या कहते हैं चिनिया बीमारी था, चिनिया बीमारी था इनका इनके पास और यही बीमारी के कारण मरे, मरवाया नहीं कोई, इनका जो है कि बीमारी था और ये बीमारी के कारण इनका जो है कि निधन हो गया। कब निधन हो गया? 6 दिसंबर यानी 1956 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। कहा हुआ? निधन हो गया। कितने मरता है?